हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब हमेशा की तरह एकदम मस्त होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। इस वीडियो में जिस भी बैकग्राउंड और पीएनजी का यूज़ होगा, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप वहां से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद शेयर करके ले चलना है पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट में आ जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके ऊपर आना है, ऐड फोटो में आना है, अपने कटआउट को ऐड कर लेना है। सो गाइस, अगर आपको नहीं पता अपने फोटो का कटआउट कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो का लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आपने कटआउट को एडजस्ट कर लेना है अपने बैकग्राउंड में। एडजस्ट कर लेने के बाद आपको कर देना है, डन कर देने के बाद अगेन ऐड फोटो में आना है, फिर से एक पीएनजी को ऐड कर लेना है। इस शॉर्ट वाले पीएनजी को आपको अपने हैंड पे ठीक तरीके से एडजस्ट कर लेना है, जैसे हमने इसे अपने हाथों में पकड़ रखा है। सो गाइज, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यहाँ पे आपको साइड में शो हो रहा होगा इंस्टाग्राम यूज़र नेम। ठीक तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद इसकी ऑपेसिटी को कम कर देना, फिर आपको इरेजर पे आना है। इरेजर पे आ जाने के बाद हार्डनेस को कम कर देना, साइज़ को अपने हिसाब से रख लेना, उसके बाद आपको इसे इरेज कर लेना है। इतना कर लेने के बाद आपको इसे डन कर देना है। डन कर देने के बाद ऑपोजिट को फुल करना है, फिर डन कर देना, फिर अगेन ऐड फोटो में आना है। एक टेबल की पीएनजी मिलेगी आपको, उस टेबल की पीएनजी को ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद इसे फुल स्क्रीन कर लेना है, उसके बाद फ्लिप रोटेशन में आके आपको इसे फ्लिप कर लेना है, फिर आपको इसे नीचे ऐड कर लेना है, उसके बाद डन कर देना है। सो गाइज, आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो कागज़ है हमारा पेपर, ये गायब क्यों नहीं हुआ? तो आपको इसे गायब करने के लिए स्क्रॉल करके ऊपर आना है, टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लोन पे क्लिक करना है। क्लोन पे आ जाने के बाद आपको कुछ इस टाइप से क्लिक करके आपको इसे रिमूव कर लेना है। सो गाइज, आप अपने हिसाब से कर लेना। अगर मैं इस वीडियो में ये करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो फिर आपको इसको सेव कर लेना है गैलरी में। सेव कर लेने के बाद आपको इस फोटो को फेस स्मूथ कर लेना है। अगर आपको नहीं पता फेस स्मूथ कैसे करते हैं, तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। फिर आपको इस फेस स्मूथ कर लेने के बाद आपको उसे शेयर करके ले चलना है अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में। लाइट रूम में ऐड कर लेने के बाद आपको फिर आपको इस प्रीसेट को भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्रीसेट को भी शेयर करके ले चलना है लाइट रूम में। लाइट रूम में आ जाने के बाद आपको इस प्रीसेट पे क्लिक कर लेना है। प्रीसेट पे क्लिक कर लेने के बाद ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद डन कर देना है। आपकी सारी सेटिंग कॉपी हो जाएगी। फिर आपको इस वाली फ़ोटो पे आ जाना है, सेम वही प्रोसेस करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, पेस्ट सेटिंग पे क्लिक कर देना। सो बूम गाइस, एक ही क्लिक में हमारी फोटो एडिटिंग हो चुकी है। फिर अगर आपके फेस पे कलर आ जाता है, तो आप यहाँ से बिक्स टूल पे आके फेस के कलर को हटा सकते हैं, उसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद स्क्रॉल करके ऊपर आना है, सिलेक्टेड टूल पे आना है, नीचे ये वाला सर्कल ड्रॉ करना है, एक्सपोजर को कम कर देना है, फिर डन कर देना है। दोबारा सिलेक्ट टूल में आना है, थर्ड नंबर वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, एक्सपोजर को बढ़ा देना है, डन कर देना। फिर से सिलेक्ट टूल में आना है, फिर से सर्कल ड्रॉ करना है, अपने हैंड पे क्लिक करना है, मतलब लाइट एक्सपोजर को बढ़ा देना है, डन कर देना। तो देखिए गाइस, बिफोर एंड आफ्टर।
बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइज, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।